गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल का ब्लॉग अपलोड हो गया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो एज पर कमिटमेंट वही ब्लॉग रोज आएगा। आप आज का ब्लॉग की शुरुआत शाम से कर रहे हैं, दिन में थोड़े से बिजी थे, शुरुआत हो नहीं सकी ब्लॉग की। तो अभी निकले हैं गुरुघर से मत्था टेक के। तो मौका लगा तो आपको मैं अपने घर के पास वाला जो गुरुघर है सेक्टर 10 से गुरुद्वारा साहब जो है उनके उसका भी आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड दूंगा। बहुत सुंदर सिंपल सोबर सा गुरुघर बना है, मतलब देख के नज़ारा आता है और खाली जगह, बढ़िया जगह, अच्छी लगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दूजा दिन ना, दूजी बारी भी नवा साल मुबारक हो तुम्हें भाई। ये 10 तरीक तक चलता हूँ, जाने कहते हैं 10 तरीक तक, 10 दिन रेगुलर न्यू ईयर विश करो, कुछ अच्छा होगा। चलो, हाँ जी की नौकरी है जी, ना जी का घर है। कहता तेन एमडी ने घर भेजा, फिर कोई गल नहीं, भेजा भी। हाँ कल ठीक है। मेरे लिए तो मरण बराबर हो रही थी ठंड। तो ठंड तो यार सोनी लग रही है, सगो तेन पता नहीं कहाँ तो होती है। नहीं गुरु नहीं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को बर्फ की सिल्ली में किसी ने कैद कर दिया और मैं जमती जा रही हूँ। धन ने बेचारियां जनानियां जिड़ियां कनेडा रहंदियां ने। मैं कनेडा दा चंडीगढ़ गाइस हम गए थे अभी बता दे। मेरा मसर ही है आज आईना देख के आया, आईना एक्चुअली मैं अपना आईना देख के आया। फोन लेने चले गए आप, बड़े दिनों से कीड़ा उठा हुआ था कि फोन लेके आऊंगा, फोन लेके आऊंगा, फोन लेके आऊंगा। सब कुछ ओके हो गया, हर चीज डन, फोन भी अभी मिल जाएगा, हर चीज। पर जब सुना ना इंटरेस्ट कितना है, उठ के आ गए आप बिलीव करो। मतलब इतना इंटरेस्ट बता दिया उन्होंने कि एक टू व्हीलर के ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, कि अगर मैं आज उतने अमाउंट की बाइक लेने जाता हूँ तो मेरे को उस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा इतना, जितना फोन लेने के ऊपर इंटरेस्ट। सो अभी फोन का हमारा प्लान कैंसल, कोई फोन नहीं लेना अभी, अब भाई सीधे काम चला लेंगे। भैया बहुत जिम्मेदारियां हैं, बाल बच्चेदार बंदे हैं, बीवी है, बीवी के खर्चे बहुत है। एंड ऑलरेडी यू आर कैरिंग अ प्रीमियम फोन। इट्स अ प्रीमियम फोन, आई एग्री, बट स्टिल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है भैया। 14 तो 14 है, रिवील कर दिया। चलो एनीवेज कोई नहीं, आज नहीं लेंगे, कल ले लेंगे, कभी ले लेंगे, फिर तो कैश में ही लेंगे, फिर फाइनेंस नहीं करेंगे। कैश लो गुरु, है कैश लो। नहीं यार 1.5 लाख रुपए कैश देना मेरे को वर्थ नहीं लगती यार, जो चीज चाहिए उसके लिए देने में क्या वर्थ क्या हो। लेकिन नहीं, वर्थ ये नहीं है कि इतना इंटरेस्ट दे दो, मेन था कि वो इंटरेस्ट इतना फूकना जरूरी नहीं है। कैश नहीं, कैश नहीं, ये है कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत दे दिया, थोड़ा बहुत फाइनेंस करा लिया। कैश देते हो इतना नहीं दुखेगा, बट इतनी इंस्टॉलमेंट्स देना विद इंटरेस्ट इतना सारा वो दुखता है। चलो कोई नहीं, ऐसा क्या पहले तो कुछ अच्छा था ही नहीं ना, आपको पता है। तो अब खुश है, बहुत खुश, अंडे लाए तो अंडे ले, अंडे ले हो गया कि हाँ अंडे ले ले अंकल, पता नहीं कि लाइफ में कुछ अच्छा हो गया था, हो गए ना, मरते हुए ये सुकून रहेगा। चल ठीक है, मरनते भी दुश्मन यार। मैं तो रिजेक्ट कर तो कितना मैं क्या सी कि ये झूठ बोलता पे है, पिंदा है नित पिंदा है, पिंदा मैं ना नहीं तो पिंदा नित पिंदा है। अच्छा नित नहीं पिंदा, चलो हाँ कि नित पिंदा है। और मैंने उल्लू बनाना गया है, सफारी जा गया है कि सोच रहे हैं कि बस सफारी देख के तो कुड़ी कहेगी होने ही ले जा मेनू। गाइस पहला मेरे को सफारी होंदी थी देख ली, आपे बोल रही है वो देख पे बच्चिया होए होए क्या, और साला स्पीड ना सी मैं टप्पा मार देंदा हूं का जाके मम्मी ने भी क्या मैं क्या मम्मा सफारी जा गया तो मतलब मैं मैं हां बोल दंगी ठीक है, सफारी होगी ओदी अपनी ओदे कर दी मेरी कोई नहीं है। हां 8-9 दी गल कर दी भैया, देख लो 2007-08 दी
झूठा। अच्छा फिर फिर बस फिर मैंने सोचा कि नहीं सुनती जाऊंगी इसकी बस, लेकिन अपने दिमाग से काम लूंगी इस बार। मेरे दिमाग ने ये बोला नहीं 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 रितु ना फंसना नहीं है, भावे रो पे तो भावे हंस पे भावे जो मर्जी थोड़ी दिन राती कोई गुड नाइट नहीं बोलनी। अपने आप समझूगा। अच्छा फिर बस फिर मैंने आपको यही किया, मैंने आपको कोई हेलो हाय नहीं की, जाके कोई बाय नहीं की। फिर मैंने कहा, फिर आप ही ने जब पूछा फिर मैंने बोल दिया साफ साफ, मैंने कहा कंफर्टेबल फील नहीं किया भाई, मैंने कंफर्टेबल फील किया था ना ही कट देना है था साडी कंपैटिबिलिटी है क्या। फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया मुझे, क्या हो गया फिर बता। फिर पता नहीं मैंने बाबा जी के आगे अरदास की कि बाबा जी क्या लिखा है लाइफ में, क्या लिखा है। चलो जैसे हमेशा ये एक अरदास करती थी मैं कि जैसे आपको मंजूर हो मेरे को उसी रास्ते पे लेके जाना, अब जो मेरे लिए सही हो, नहीं भी सही होगा तब भी मैं यही समझूंगी आप ही लेके गए मुझे उस रास्ते पे। फिर बस उस रास्ते पे जाती रही, उन्होंने बाबा जी ने बोला गुरुदेव गुरुदेव। अच्छा फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं कोई बात अब गलत हुआ ना बाबा जी फिर मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस बात ऐसी है भाई, मैडम कर रही है आज कॉन्फ्रेंस, क्या कहते हैं कन्फेस जटन ला रहे कदा पैक कन्फेस कर रही है कन्नी में, सारा कुछ सच दसांगी साडी भाई बोला था ना सेकंड में वाले 3 मिनट है अभी ठीक है, पुरानी की सी कीनी सी छड़ो नु दफा करो चलो आ रहे पुत्र आ रहे ए जेड़ा कन्फेस कर रही है सेकंड मैरिज का कन्फेस कर रही है। ते हुन साडे ब्याह हो गए ना 5 साल ऑलमोस्ट, आज लॉल हो गया हमारे साथ 5 साल हो गए, 5 साल पुरानी गल्ला तड़े ना कर रही है जो आग साढ़े वड़े वड़े हो गए ने यार गुरु झूठ मत बोलो, 5 साल हुए किन्ने हो गए ने 3 साल प्रावा 3 साल 5 साल वर्के लग देने हाँ 15 साल नहीं लगते। ते व्लॉग च होर तो कुछ रहा नहीं, अज इयो रह गया साडा, अज लोल हो गया साडे नाल, मच्छी खाधी है अज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम मैडम ने खाई मच्छी इन हिस्ट्री है, किवें दी लगी फर्स्ट टाइम आवे हां ठीक है, मतलब इतनी महंगी थी तो सोचा खानी ही पड़ेगी। खानी ही पड़ेगी, वेस्ट नहीं करने पैसे इसलिए खा ली मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही है, छोटा सा ब्लॉग होगा हमारा आज का, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की टिकटॉक चलती रहेगी आज, तो दोनों हम बेसिकली हम दोनों जो है ना क्या कहते हैं पार्टनर इन क्राइम है, मतलब दोनों की आदतें भी मिलती है एक दूसरे से दोनों, लेकिन क्राइम आप मुझे कराते हो, क्राइम मैं कराता हूँ इसको, देखो ये बात बिल्कुल परफेक्ट है एंड आई एम रियली प्राउड टू हैव द पार्टनर लाइक हर के इसकी जैसी वाइफ परमात्मा सबको दे, मतलब ये तो मेरी है दूसरी देती रहे भैया, नेचर ऐसा बना दे, तो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड रब रखा।